एंड्रॉइड मोबाइल की मदद से अगर आप हर तरह का गेम और एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में घंटी बटन को याद करके प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिफिकेशन एडमिन पैनल का एक प्रोजेक्ट है SKchoir का। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, औरा पार्टी यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत सारे स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, दोस्तों अगर आपने वेरिफिकेशन बैच ये पार्ट नंबर 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, ये वाला वेरिफिकेशन बैच, ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इस ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हमने ये बताया था आप वेरिफिकेशन बैच कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसका एडमिन पैनल का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों इसका जो प्रोजेक्ट है ये भी सेम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें मैंने एडमिन पैनल को ऐड कर दिया है, ठीक है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ मालूम मतलब पता लग जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर SKchoir को ओपन कर लिया है, और ये रहा जो हमने पिछले वीडियो में जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था वो ये वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये सिर्फ यूजर पैनल है, ठीक है, ये यूजर के लिए है और ये एडमिन के लिए है। तो ये वाला प्रोजेक्ट भी आपको मैं दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप सबसे पहले ये 3 डॉट का पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इसमें जाइएगा लाइब्रेरी में, और यहाँ पे जो फायरबेस का जो भी आपका आईडी वगैरह है, ठीक है, आप उसी आईडी को यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना टेस्ट फायरबेस का आईडी वगैरह को मैंने डाल के रखा है। आपको अपना आईडी डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, ओके दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, ओके। दोस्तों आपके पास इसका जो यूज़र पैनल है ये रहना चाहिए। यूजर पैनल रहेगा तभी आप ये जो एडमिन पैनल है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो मैं इसको अभी इंस्टॉल करता हूँ दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको अच्छे से बता देगा। आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ओके। इंस्टॉल हो रहा है, ये स्कैन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये जो है अकाउंट को वेरिफिकेशन करता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। दोस्तों साइन अप करने के लिए हमने ईमेल और पासवर्ड को एंटर कर दिया है। ओके दोस्तों, तो एडमिन पैनल में जो है एडमिन जो है वो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यूजर्स का अकाउंट शो करेगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो है ये जो प्रोजेक्ट है मैंने इसका पार्ट नंबर 1 वीडियो में दिया था, और ये जो प्रोजेक्ट है वो इस वीडियो का प्रोजेक्ट है। ये यूज़र पैनल है और ये एडमिन पैनल है। यूज़र पैनल का पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। अगर आप इसमें, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, और इसमें दोबारा मैं एक अलग से नाम से GOP, ठीक है, AL गोपाल, इस नाम से मैं एक ईमेल, दोस्तों बिजली भाग गया है इसीलिए अंधेरा हो गया है, ओके। तो यहाँ पे मैंने नाम और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड एंटर कर दिया है, और इसको हम साइनअप करते हैं, ओके। तो दोस्तों आप यहां पे देखिए, यहां पे टोटल 2 अकाउंट हो गया, मतलब जो अकाउंट होता है वो आपको यहां पे शो करेगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये फायरबेस में दिखा देता हूं। दोस्तों आप यहां पे देखिए, ये जो यूज़र है इस नाम से हमने फायरबेस के अंदर जो फायरबेस डाटाबेस का नाम रखा है यूज़र, और यहाँ पर टोटल दो हमने जो लिया है, ये देखिए औरा पार्टी इस नाम से आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा होगा, और एक जो है गोपाल इस नाम से,
यहाँ पे देखिए आउरा पार्टी और ये है गोपाल। वेरिफिकेशन जो है वो फॉल्स है। लो बिजली भी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे टोटल दो अकाउंट है, एक है इस ईमेल से, ये जो ईमेल आईडी है इस ईमेल से एक अकाउंट है, और ये जो ईमेल आईडी है ये ईमेल से एक अकाउंट है, इसका नाम है और वेरिफिकेशन फॉल्स है, इसका भी वेरिफिकेशन फॉल्स है। तो हमारे पास टोटल दोस्तों ये जो है ये एडमिन पैनल है, ठीक है, और ये जो है यूज़र पैनल है, ये यूज़र पैनल, ये एडमिन पैनल। दोस्तों आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यूज़र पैनल में आप इसको वेरीफाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एडमिन पैनल है, जो इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये एडमिन पैनल है। अगर इसका पर आप क्लिक करते हैं तो आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। तो आप चलते हैं यूज़र पैनल में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरीफाइड शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एडमिन पैनल में इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये रिमूव हो गया, और ये यूज़र पैनल में देखिए यहाँ पर भी ये रिमूव हो गया। यूज़र जो है ये काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। इसको देखिए मैं इसको वेरीफाइड करता हूँ, यस करता हूँ, तो यहाँ पर वेरीफाइड का हो गया है। आप चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये ट्रू दिखाया जा रहा है, वेरिफिकेशन ट्रू मतलब सही हो गया है। अगर वेरिफिकेशन को मैं गलत करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ, तो ये रिमूव हो गया। तो अभी हमारा यहाँ पे जो है ये फॉल्स हो गया है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्ट को रन कीजिएगा ना स्केच ओयर में, तो आप अपना फायरबेस को इस्तेमाल कीजिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला का ये सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, ठीक है। दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे ना, तो अपना फायरबेस का इस्तेमाल कीजिए, और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, और इसका अंदर से आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी, आप जल्दी सीख जाएंगे जो ये आखिर काम कैसे कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं चलता हूँ यहाँ पे लिस्ट में, व्यू में चलता हूँ। व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑन बाइंड कस्टम व्यू का पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है यूज़र पैनल में ये ऑप्शन नहीं था। यूज़र पैनल में सिर्फ इतना ऑप्शन था, लेकिन एडमिन पैनल में सिर्फ हमने इसको लगा दिया। ये जो डायलॉग है, डायलॉग जब भी आप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो आपको ये डायलॉग शो करेगा। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर नया मैप ये क्रिएट कर दे रहा है। अगर आप यस करेंगे तो वेरिफिकेशन को ये ट्रू कर देगा, अगर आप रिमूव करेंगे तो वेरिफिकेशन में इसको वो फॉल्स कर देगा। और ये इसका यूआईडी है, पोजीशन, जो भी पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन को ये रिमूव कर देगा, या फिर मतलब यस कर देगा, ट्रू कर देगा, या फिर फॉल्स कर देगा। दोस्तों ईजी है समझना, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है समझना। दोस्तों आपको बस इसका जो पार्ट नंबर वन वीडियो का प्रोजेक्ट देखना है, और ये जो वीडियो है इसका प्रोजेक्ट को आपको देखना है, दोनों प्रोजेक्ट, यूज़र पैनल एडमिन पैनल, दोनों प्रोजेक्ट आपको अच्छे से आपको चेक करना है, देखना है, सीखना है, उसके बाद आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये दोनों प्रोजेक्ट में आप सेम फायरबेस अकाउंट का इस्तेमाल कीजिएगा। इस ये जो यूज़र पैनल है, इसमें जो भी फायरबेस का डिटेल्स लगेगा, इसमें भी सेम, दोनों में एक ही फायरबेस का आईडी इस्तेमाल होना चाहिए, तभी जाके ये काम करेगा। इसके बारे में आपको मालूम होगा शायद। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग अलग अलग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, इसमें अलग फायरबेस का आईडी इस्तेमाल करेगा और इसमें अलग फायरबेस का आईडी इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं करने का, ये दोनों एक ही एप्लीकेशन है, ये एडमिन पैनल है, ये यूज़र पैनल है, दोनों एक ही एप्लीकेशन है, तो इसीलिए दोनों में एक ही फायरबेस का आईडी वगैरह इस्तेमाल होना चाहिए। ओके दोस्तों, और एक बात, मैंने जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया, ये है अकाउंट को वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, अकाउंट को, किसी का अकाउंट को वेरीफाइड कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपको आइटम्स को वेरीफाइड करना है, तो आइटम लिस्ट में जो आइटम रहता है ना, लिस्ट व्यू में आइटम, लिस्ट व्यू में इस तरह से आइटम रहता है, अगर आप उसको वेरीफाइड करना चाहते हैं, तो
उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा पार्ट नंबर 3, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो। और दोस्तों प्रोजेक्ट जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है डाउनलोड कैसे करते हैं प्रोजेक्ट का विषय में अगर आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख करके सीख सकते हैं जो प्रोजेक्ट को आप कैसे कहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको वहाँ पर सारा जानकारी मिल जाएगा। आपको वहाँ पे YouTube वीडियो का लिंक मिलेगा, प्रोजेक्ट का लिंक मिलेगा, हर चीज़ का जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे एक बार ज़रूर चेक कीजिए, अगर आपको पता है तो आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आप स्केचर ग्रीन से जाके जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप प्रोजेक्ट को आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।